अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे सिंपल सा, आसान सा, एकदम इजी वाला चिकन जो हर कोई बना ले। चलिए इसकी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। एक कढ़ाई ले लिया हमने, कढ़ाई के अंदर हमने हाफ कप मस्टर्ड ऑयल डाला है। मैं हमेशा चिकन हो, मटन हो या कोई भी अच्छी सी सब्ज़ी हो उसमें मैं मस्टर्ड ऑयल यूज़ करती हूँ। आप कोई भी रेगुलर ऑयल यूज़ कर सकते हैं। ये कुछ मसाले हैं, मेरे मसाले सारे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। इसकी क्वांटिटी कितनी है, कैसी है, आप हमेशा डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोल के देख सकते हैं। ज़ीरा था, तेज़पत्ता था, एक बड़ी इलायची थी, दो चार छोटी इलायची थी और कुछ लौंग थी। उस हल्का सा तड़क गया है और उसके बाद हमने चार प्याज स्लाइस कर लिया। चार प्याज स्लाइस करके उसमें हमने अच्छे से डाल दिया है और उसको हम हल्का सा गुलाबी करेंगे, उसे हम ब्राउन बिल्कुल भी नहीं करेंगे। देखिए इसका कलर कितना प्यारा है, कितना अच्छा है। इसी कलर पे, इसी स्टेज पे हम एक केजी चिकन डालेंगे। मैंने लेग का पीस लिया है, आप कोई भी पीस ले सकते हो, आपके ऊपर रहता है। थाई का पीस बहुत ही यमी और जूसी बनता है, इसमें कोई भी शक नहीं है। इसे हम अच्छे से भून लेंगे हाई फ्लेम पे, बिल्कुल भी हम फ्लेम को लो नहीं करेंगे। अच्छी तरह के स्टर करके हल्का सा गोल्डन कलर आने तक का हम इसे फ्राई करेंगे। हाई फ्लेम पे भूनने का मतलब ये होता है चिकन का कि जितना चिकन का जो जूस होता है, पानी होता है, वो उसी के अंदर लॉक हो जाए, बाहर बिल्कुल भी नहीं आए, चिकन ड्राई ड्राई सा ना रहे। इस तरीके से देखिए स्पॉट आ गया है जो, उसे हम इस तरीके से फ्राई कर लिया। अब हम इसमें मसाले डालेंगे। ये अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची और ज़ीरा पिसा हुआ है, फ्रेश मसाला पिसा हुआ है, इसे हम इसमें डाल देंगे थोड़े से पानी के साथ में। फिर इसके हम एक से डेढ़ मिनट तक अच्छी सी भुनाई कर लेंगे। भुनाई बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है क्योंकि मसाले का कच्चापन अच्छा नहीं लगता है, फिर चिकन स्टिंग करेगा वो भी अच्छा नहीं लगेगा, फिर डिश ही ख़राब हो जाएगी। मसाला हमने भून लिया, उसमें हम हाफ टी स्पून हल्दी डालेंगे, एक टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे और एक टी स्पून भर के हम धनिया पाउडर डालेंगे। नमक डालेंगे हम टेस्ट के हिसाब से और इसमें हम रफली चॉप दो टमाटर डालेंगे। टमाटर का स्वाद ही एक नंबर आता है। इसमें मैं तीखा लाल नहीं यूज़ करती हूँ क्योंकि हरी मिर्ची का स्वाद चिकन और मटन में बहुत ही लाजवाब और अच्छा होता है। इसे हम फटाफट अच्छे से मिक्स कर लेंगे, चारों तरफ से हम मसाला एक जान कर लेंगे। इस चिकन के अंदर सारे मसाले लिपट जाना चाहिए उसके अंदर। ये देखिए कितना अच्छे से हो गया है। इसे हम ढक के दो चार मिनट के लिए पकाएंगे जब तक चिकन टमाटर अपना पानी छोड़ेगा। ये देखिए चिकन और टमाटर अपना पानी छोड़ दिया है एकदम अच्छे से। उसे हम एक दो बार अच्छे से चला लेंगे, भून लेंगे और उसे हम ढक के फिर 10 से 15 मिनट रख देंगे लो फ्लेम पे पकने के लिए। फ्लेम हमारा स्टेज पे लो होगा, इसे अच्छे से पकाएंगे हम और ये हमारी प्यारी सी डिश तैयार होगी। हाफ टी स्पून इसमें गरम मसाला है। गरम मसाले की रेसिपी मेरे शॉर्ट्स चैनल पे मौजूद है, आप उसे देख सकते हो। रेसिपी कैसी लगेगी ज़रूर प्लीज़ बताइएगा। इन्जॉय करिए इस चिकन को अपनी फैमिली के साथ में। बहुत ही यमी और टेस्टी सा चिकन तैयार हुआ है, ये एकदम लाजवाब सा फटाफट से तैयार हुआ है।